करीबन 205 करोड़ डकारने वाले बड़े कांड के आरोपी दीपक मित्तल के पिता अश्विनी मित्तल को भी गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच में अभी कई और खुलासे होना है। निवेशकों के करोड़ों रुपए पचा जाने वाले बहुचर्चित कांड के आरोपी गैंगस्टर दीपक मित्तल के पिता अश्विनी मित्तल को भी इस मामले में सह अभियुक्त बनाया गया है। देहरादून पुलिस ने अश्विनी मित्तल को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया है। व्हाइट कलर क्राइम में लिप्त अपराधियों पर अभियान चलाकर दून पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। आर्थिक अपराधों में शामिल सभी अपराधियों को किसी भी दशा में अब बख्शा नहीं जाएगा और इनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी तेजी से आरंभ की जाएगी। एसआईटी द्वारा उक्त प्रकरण में कार्रवाई करते हुए पुष्पांजलि डेवलपर्स व उसके अन्य सहयोगियों को कुल 41 अलग अलग बैंक खातों जिनमें वर्ष 2016 से वर्ष 2023 तक लगभग 205 करोड़ रुपए का लेन देन होना प्रकाश में आया है को फ्रीज करवाया गया है। खातों की जांच में कई सफेदपोश बिल्डर व कंपनियों के मालिक पुलिस जांच के रडार पर हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए इसमें करीब 10 मुकदमे दीपक मित्तल से कंपनी जो उसमें इन्वॉल्व थे उस पर दर्ज है। इसमें गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज था। इसमें सप्लीमेंट्री गैंग चार्ट के आधार पर जो दीपक मित्तल के फादर अश्विनी मित्तल उन पर भी केस रजिस्टर्ड हुआ था। इस पर टीम ने उनको हरिद्वार से जो है गिरफ्तार किया है और इसमें न्यायिक हिरासत में उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो समस्त जानकारी एसआईटी टीम से मिली उसमें यह पता चला कि 41 अकाउंट अभी तक हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्रोतों से जानकारी करके जो इसमें अकाउंट के ट्रांजेक्शन चल रहे थे उसको किया। इसमें 200 करोड़ से ज़्यादा इसमें ट्रांजेक्शन है। कुछ NRI अकाउंट्स भी पुलिस टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन मिले हैं जो फॉरेन में बेस्ड है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।